हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सब लिए नई रेसिपी लेकर आई हूँ। मैंने ये चिंगरी मछली ले लिया है। बंगाल में इसे चिंगरी बोलते हैं और हम लोग के बिहार में इसे झींगा मछली बोलते हैं। इसमें मैंने हल्दी और नमक डाल लिया है, टमाटर को प्यूरी कर लिया है, आधा लहसुन का पेस्ट है और इसमें हरी मिर्च को भी हम पेस्ट कर लिया है, इधर नारियल को पेस्ट कर लिए हैं, आधा लहसुन का पेस्ट है, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर है और हल्दी पाउडर है। आज हम चिंगड़ी माछ का ही रेसिपी बनाएंगे। चलिए हम कढ़ाई की तरफ चल रहे हैं। कढ़ाई को मैंने गरम कर लिया है। अब इसमें हम तेल डाल लेंगे। तेल को गरम हो जाने दें। जब तक तेल गरम हो रहा है तब तक हम इसे हम मिला लें। अब इसे हम फ्राई कर लेंगे तेल में। तेल गरम हो चुका है, अब इसमें हम मछली को भाज लेंगे। इसे लाल कलर की फ्राई कर लेंगे। इसे लाल होने दें। मेरा लाल चिंगड़ी हो चुका है, फ्राई अच्छे से कर लिया। इसे हम निकाल लेंगे। मैंने चिंगड़ी को निकाल लिया है। इसमें हम थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे। प्याज का पेस्ट डाल देंगे। इसको अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे थोड़ा। इसे एक मिनट तक फ्राई कर ले। मेरा प्याज लाल हो चुका है, अब इसे हम आधा लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। फ्राई कर लेंगे एक मिनट तक। इसमें हम टमाटर का पेस्ट डाल देंगे। एक मिनट तक फ्राई करेंगे इसको भी। मसाला फ्राई हो चुका है, इसमें ये सारे मसाले डाल देंगे। थोड़ा सा पानी डाल देंगे। इसमें हम ये नारियल पिसा हुआ डाल देंगे। इसे दो मिनट तक फ्राई करेंगे। पहले जगह इसमें थोड़ा नमक डाल दें। एक मिनट तक और फ्राई करें। तो फ्राई हो चुका है, इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे। थोड़ा सा डालेंगे। अब इसमें हम चिंगड़ी मछली को डाल देंगे। इसे एक मिनट तक फ्राई होने देंगे। मेरा हो चुका, अब इसमें हम थोड़ा सा गर्म मसाला दे देंगे। थोड़ा सा गर्म मसाला दे दिया है, इसको अच्छे से मिला लेंगे। गैस को बंद कर देंगे। ये देखिए, मेरा माछ बनके रेडी हो चुका है। आप इस तरह बनाकर खाइएगा, खाने में टेस्टी लगता है। अगर अच्छा शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा।